नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में बारिश के अलर्ट की, जहां 24 और 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई जिलों में बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली और कोरबा में जिलों में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इन जिलों में 24 घंटे के लिए जारी हुआ अलर्ट जशपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार व कोरबा में 48 घंटे के लिए जारी हुआ है अलर्ट। और इन जिलों में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, अगले 24 और 48 घंटे में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सावन की झड़ी लगातार एक सप्ताह को देखने को मिल रही थी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई थी। 26 जो है ऐसे जो जिले थे जहां पर बारिश का प्रतिशत काफ़ी कम था, लेकिन इन 7 दिनों की बारिश में जो डेफिशिएंस दिए थे, कम बारिश का जो जिला था उसकी संख्या घट करके 7 हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह से जमकर बारिश हो रही थी और अभी जो 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास करके उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के 15 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जो जो व्यक्त किया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि एक सप्ताह बाद आज कई जिलों में धूप खिले हुए हैं, लेकिन इससे पहले 6 दिनों तक लगातार बारिश है वो हो रही थी। तो बारिश से कुछ राहत जरूर है, लेकिन कई ऐसे जिले थे, खास करके अगर हम सरगुजा की बात करें तो सरगुजा संभाग में अभी भी डेफिशिएंट जिला है, वहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह बेमेत तरह है, वहाँ पर भी डेफिशिएंट जिला है, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश की जो संभावना व्यक्त की है तो इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश में जो वर्षा का आंकड़ा कम होता हुआ दिख रहा था, हालांकि जुलाई अगस्त में जो मौसम का जो पैटर्न है वो पहले बदला हुआ था, लेकिन लगभग ये रिकॉर्ड है कहा जा सकता है रिनू कि 5 साल बाद इस तरह से जुलाई महीने में जमकर बारिश हुई है। तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं वो मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, लेकिन बारिश आती है तो तबाही भी साथ में लाती है और इसी की परेशानी भी होती है। लेकिन बारिश आवश्यकता भी है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, प्रकृति के लिए। तो इसलिए आज से कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो संभावना व्यक्त किया है तो फिर से जमकर बारिश छत्तीसगढ़ में हो सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, प्रकृति का पूरा संतुलन बारिश पर निर्भर करता है। बारिश अच्छी होगी, पेड़ पौधे अच्छे रहेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, जल संकट दूर रहेगा, बहुत सारी चीजें बारिश से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम प्रशासन को पुख्ता करना होगा कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है, जो पानी की निकासी है, जो पानी को संरक्षित करने का तरीका है, उन्हें सुदृढ़ किया जाए, उन्हें और बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से बारिश का भीषण बारिश की जो आशंका है मौसम विभाग व्यक्त कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। जवानों ने बरामद की 10 किलो का आईडी, जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है और बंद के दौरान बड़ी वारदात की फिराक में नक्सली थे। बंद के दौरान माओवादी के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। कुटरू बेदरे सड़क पर प्लांट किया गया था बम, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लांट किया गया था, जिसे जब जवानों ने पाया तो इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है जवानों ने नक्सलियों की। तो जवानों ने 10 किलो की आईडी बरामद की है। संवाददाता दिनेश जुड़ गया। दिनेश, एक बार फिर से 10 किलो का आईडी बरामद किया गया? जी हाँ, मैं बता दूं कि शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादियों के मंसूबे पे सुरक्षा बल के जवानों ने पानी फेर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुटरू बेदरे मार्ग पर अंबेली नाला के आगे माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नियत से लगाया गया था 10 किलो का आईडी। इस आईडी को जो सुरक्षा बल के जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है।
ये जो डिफ्यूज किया गया है बीडीएस बीजापुर की टीम और मौके पर किया गया है निष्क्रिय, क्योंकि मौके पर पहुंची थी जो पुलिस जवानों ने आईडी देखा तो उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आईडी कमांड स्विच सिस्टम से लगाया गया था, सुरक्षा बलों की जो सतर्कता है और सूझबूझ से ये बड़ी घटना टाली जा सकी है। ये मैं आपको एक चीज प्रकाश डालना चाहूंगा कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है और इस शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली कई घटनाओं को अंजाम को वारदात देते हैं, जैसे आईडी लगाना, विस्फोट करना या नक्सलियों के द्वारा जो सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग करना, ये कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये शहीदी सप्ताह के दौरान ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम देती है जो नक्सलियों की जो टीम है। और इस कुल मिला के जो 10 किलो का जो आईडी लगाया गया था सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने विफल कर दिया है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। और आगे बढ़ेंगे जहां बिलासपुर में डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप लगा है। सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगा है। सरकंडा के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल का पूरा मामला है। मरीज के इलाज के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, घूस मांगने का वीडियो भी सामने आया है और अस्पताल प्रबंधन से शिकायत के बाद कोई एक्शन फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, घूस मांगने का वीडियो सामने आया, उसके बाद शिकायत भी दर्ज की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इस पूरे मामले में वीडियो पुख्ता होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सरकारी अस्पताल का ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में डॉक्टर पर घूस मांगने का वीडियो सामने आया। सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने सरकंडा के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल में मरीज के इलाज के एवज में रिश्वत की मांग की थी और घूस मांगने का वीडियो सामने आया है। तो आप ये देखिए कि बहुत ही आश्चर्य इस बात का कि इसका वीडियो भी है, उसके बावजूद शिकायत करने के बावजूद कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, वीडियो सामने आया है घूस मांगने का, शिकायत दर्ज करवाई गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं। शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल है और अस्पताल के जो डॉक्टर है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 3,000 रुपए घूस मांगा है और इलाज के लिए, और इसके अलावा जो उनको रिफर किया जाना था दूसरे अस्पताल में उसको लेकर उन्होंने 3,000 रुपए का घूस मांगा है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित है उसने पहले अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की और इसके साथ ही थाना सरकंडा में भी लिखित इसकी शिकायत की है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान है वहां पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से घूस मांगा जा रहा है वहां पर, ये पहला मामला है, ऐसे कई मामले होंगे जिसमें मरीजों से घूस मांगा हो गया, क्योंकि ये वीडियो सामने आ गया है इसलिए इस डॉक्टर के करतूत जो है वो सामने निकल कर आ गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहिए उमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां पर बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, जहां बिलासपुर में दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, सभी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कोई भी कमी पाए जाने पर कलेक्टर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर अब छापा मारा जा रहा है, सुरक्षा की जांच की जा रही है कि आखिरकार कैसे इंतजाम वहां पर बने हुए हैं। और संवाददाता उमेश लगातार जुड़े। उमेश, बिलासपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, सभी कोचिंग सेंटर पर जांच हो रही है कि सुरक्षा के क्या क्या मानक तय हैं वहां पर। निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली हादसा हुआ है वो सभी को दहला देने वाला हादसा था, ऐसे में जिला प्रशासन ने इसे पूरी गंभीरता से देखते हुए तमाम जो कोचिंग सेंटर है वहां पर उनको लेकर जो है जिला प्रशासन की एक टीम गठित की गई है, नगर निगम भी उसमें शामिल किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से, और तमाम जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो कोचिंग सेंटर है वहां पर टीम गठित कर छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जहां पर भी इस तरह की कमी पाई जाती है कोचिंग सेंटरों में उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो अवैध रूप से भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर है जहां पर भवन तो रहने के निवास के लिए वहां पर भवन को बनाया गया है लेकिन उसका कोचिंग सेंटरों के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो नगर निगम को जिला कलेक्टर जो अवनीश शरण है उन्होंने दिया है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सारे कोचिंग जो सेंटर्स हैं वहां पर जांच की जाए, और अगर जरा सी भी लापरवाही आती है सामने तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से खबर है जहां दिल्ली कोचिंग हादसे पर जागा प्रशासन। दिल्ली प्रशासन, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया, कलेक्टर ने निगम को निर्देशित किया है, सभी कोचिंग सेंटर्स की जाँच के आदेश दिए गए हैं। और आप ये देखिए कि तमाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ज्यादातर ये देखा जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे या तो फिर जो -1 या -2 फ्लोर होते हैं ग्राउंड फ्लोर में, वहीं पर ज्यादातर कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं। और इसके मद्देनजर जो बड़ा हादसा दिल्ली में सामने आया उसके बाद से सभी जिला प्रशासन अलर्ट हो चुके हैं। रायपुर महापौर की बढ़ सकती है मुश्किलें, एजाज ढेबर पर एफआईआर की मांग की जा रही है। एसपी को धमकी देने के मामले में एफआईआर की मांग की गई है। विधायक ऋकेश सिंह ने मांग की है, एसपी से मुलाकात के दौरान दी गई थी धमकी, प्रदर्शन के दौरान धमकी देने पर एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर रद्द नहीं करने पर खुदकुशी की धमकी दी गई थी। और ये देखिए आप कि जो मेयर हैं एजाज ढेबर, दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने धक्का मुक्की की थी जवान के साथ और इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जैसा कि जानकारी मिली कि महापौर नगर निगम रायपुर के एजाज ढेबर जी, एसएसपी संतोष सिंह जी जो रायपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पास वो अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और उनको एक धमकी देते हैं कि आप जो है मेरा रिपोर्ट अगर आपने उसको शून्य नहीं किया और आपने अगर एफआईआर को कंटिन्यू किया तो मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा। माननीय गृह मंत्री जी, ये जो सीधा सीधा जो है ये धमकी देना, वो भी एसएसपी को उनके कमरे पे, ये कहीं ना कहीं कानून का, संविधान का उल्लंघन है। मैं राहुल गांधी जी जो बड़ी बड़ी संविधान की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी जो संविधान को लेके पूरे चुनाव भर घूमे थे, उनसे आग्रह करूंगा कि अपना मामला बताइए। एजाज ढेबर जो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक जो आरक्षक थे वहां पर उन पर हमला करते हुए नजर आए थे और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था, एफआईआर रद्द करने की मांग की गई, नहीं की जाने पर खुदकुशी की धमकी दी जा रही है। मिथिलेश आप सुन पा रहे हैं? जी रिनू, देखिए ये पूरा मामला जो था विधानसभा घेराव के दौरान का था, जब एजाज ढेबर पर जो है वो पुलिस वालों के साथ में बस सलूकी का मामला ये आया था, इस वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इसी के खिलाफ में एजाज ढेबर 2 दिन पहले दुर्ग एसएसपी के पास पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि बहुत से लोग थे जिन पर एफआईआर, वहां पर लोग थे जिसमें सिर्फ उनको ही चिन्हित किया गया, इस वजह से उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि वे आत्महत्या कर लेंगे। इसी का जवाब जो है वैशाली नगर के विधायक ऋकेश सेन ने दिया, उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरह से एसएसपी के चैंबर में वे पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस तरह की धमकी दी है, वो अपराध की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ में उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, दूसरी एफआईआर दर्ज उनके ऊपर होने चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर महापौर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, महंगी बिजली को लेकर स्टील उद्योग के बंद के ऐलान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उद्योगपतियों को कुछ गलतफहमी हुई है, बिजली की दर 25% नहीं 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ी है। इस बारे में उद्योगपतियों से लगातार चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा जो विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता को उजागर किए हैं, कुछ उनको गलत फहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है, लेकिन शायद उनको गलत फहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में 200 प्लांट बंद किए गए, 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर देखने को मिला, बढ़ी बिजली दरों के विरोध में हड़ताल की गई, रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसका अच्छा खासा असर उन लोगों पर खासतौर पर पड़ा है जिनकी रोजी रोटी यहां से जुड़ी हुई है।
अब रोजाना करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। आप ये देखिए कि महंगी बिजली को लेकर स्टील उद्योग के बंद के ऐलान पर मुख्यमंत्री ने हालांकि यहां पर स्पष्ट किया है कि उद्योगपतियों को गलतफहमी हुई है। बिजली की दर 25% नहीं बल्कि 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाई गई है और उसके बारे में उद्योगपतियों से लगातार चर्चा भी हो रही है। तो वही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में इजाफे के बाद से 200 प्लांट बंद हो गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़ी बिजली की दरों के विरोध में हड़ताल की गई, रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं राज्य के 200 से ज्यादा प्लांट बीती रात से बंद हैं। बिजली दर में बढ़ोतरी का उद्योग संघ लगातार विरोध कर रहा है। उद्योग बंद होने से उत्पादन के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पिछले 20 दिनों से सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ हमारी रेगुलर हुई है। हमारी परेशानियों से वो अवगत हैं। अब निर्णय लेने का वक्त आया है। सरकार के सामने विषय बड़ा गंभीर है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी तादाद में उद्योग बंद होंगे। 25% की विद्युत दर में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, उसके कारण हम लोगों के यूनिट्स अनवायबल हो गए हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। तो इसके कारण हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि अपने अपने प्लांट को भारी आर्थिक नुकसान के चलते स्वतः। जगदलपुर में पानी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। 4 वार्डों में पानी की किल्लत को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों सहित वार्डवासियों ने जबरदस्त हंगामा किया। महापौर पर झूठा जन चौपाल लगाने का आरोप भी लगाया गया है। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल,